जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जबलपुर में पीएसएम सभागार में पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश का अधिवेशन संपन्न हुआ। प्रांतीय महामंत्री एचपी और मालिया ने बताया कि अधिवेशन में यह मांग की गई है कि यदि पंचायत और निकाय चुनाव की घोषणा से पहले यदि पेंशनर को 31% डीए का भुगतान नहीं हुआ तो जून में प्रदेश भर में आंदोलन शुरू किया जाएगा। और उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य पूर्ण गठन 2000 की धारा 49 को यथाशीघ्र विलोपित करते हुए पेंशनर का आर्थिक शोषण तत्काल समाप्त हो। आज का जो हमारा ये जबलपुर जिले में प्रांतीय अधिवेशन थोड़ा सा इधर भी घुमा ले, माननीय प्रांताध्यक्ष श्री श्याम जोशी जी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के कोने कोने से हमारे पदाधिकारी पेंशनर साथी यहाँ विगत 2 दिनों से जबलपुर पे आना प्रारंभ हुआ और आज बहुतायत संख्या में लोग जबलपुर आए। जबलपुर पे आके हम सब लोगों ने एक निर्णय फाइनल लेने जा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अब जो है हमको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बंटवारे में कब तक लटका के रखें। कभी आप तैयार नहीं होते तो कभी छत्तीसगढ़ तैयार नहीं, कभी छत्तीसगढ़ तैयार होता है तो आप नहीं होते और आप होते हो तो वो तैयार। ये धारा 49 का जो झंझट है ये कब तक लागू रहेगी? 22 साल पूरे हो गए। मैं आप लोगों के से माध्यम से इस मध्य प्रदेश सरकार को ये बता देना चाहता हूँ कि अब आपके निकट भविष्य में आपके मध्य प्रदेश पे ग्रामीण अंचल और नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे 31% डीए के आदेश यदि आपने समय रहते जारी नहीं किया, एक बहुत बड़ा आक्रोश का सामना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आपको करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग अगर वो नहीं दिया तो क्या डीए अगर आपको लागू नहीं किया तो क्या आप लोग विरोध करेंगे चुनाव? देखिए, चुनाव का कदापि विरोध नहीं करेंगे, मतदान में भाग लेंगे, लेकिन हम किसे मतदान करेंगे ये हमारे निर्णय पे, हमारे मध्य प्रदेश के पेंशनर्स के निर्णय पे डिपेंड करेंगे। हमारा परिवार भी सहभागी रहेगा। हम 1.10x50 लाख ये मैं बात कर रहा हूँ, ये आक्रोश, ये बहुत बड़ा आक्रोश हमारे पेंशनर्स पे व्याप्त है। एचपी उर्मलिया अध्यक्ष एवं प्रांतीय महामंत्री पेंशनर्स एसोसिएशन। आप ये पेंशनर का डीए अगर लागू नहीं करती चुनाव में तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे, अगला कदम क्या रहेगा? नहीं, इसमें क्या है, पेंशनर के परिवार भी इसमें शामिल हैं, वो परिवार भी एक विरोध के स्वरूप हम ये निर्णय लेंगे कि परिवार भी उसमें सहयोगी बने। और चूंकि आज पूरे मध्य प्रदेश के पेंशनर आज 4,75,000 जो पेंशनर हैं वो उनमें त्राही त्राही मची हुई है कि भाई हमारे पेंशनर का क्यों नहीं डीए सरकार कर रही है। तो हमारा सरकार इस आज इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश के पेंशनर इकट्ठे हुए हैं, इसके माध्यम से हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि समय रहते आप जाग जाओ, नहीं तो अन्यथा आपको इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा। नाम एलएन कैलाशिया, प्रांतीय महामंत्री, पेंशनर एसोसिएशन। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।